हेलो दोस्तों, राजस्थान बीएसटीसी एग्ज़ाम 2023 काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। यानी काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। उसकी जो है यहाँ पर डेट शीट जो यहाँ पर जारी हो चुकी है। और आपको जो यहाँ पर डाउट है कि कितने नंबर पर हमें जो यहाँ पर काउंसलिंग करवानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है, बहुत सारे जो यहाँ पर कैंडिडेट है, अलग अलग जो यहाँ पर नंबर है, सभी के अलग अलग नंबर आए। यानी किसी के 350 है तो किसी के 250 है, ठीक है, किसी के 300 है तो किसी के 400 है। इस प्रकार से अलग अलग यहाँ पर स्कोर बने हैं। तो उन सभी को यहाँ पर जो आपका डाउट है कि आप चाहे किसी भी, चाहे जनरल कैटेगरी से है या फिर चाहे EWS कैटेगरी है, चाहे OBC है, SC, ST, MBC, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो आपको कितने नंबर, यानी इतने नंबर पर आपको जो यहाँ पर काउंसलिंग करवानी चाहिए, तो आपको कॉलेज अलॉट जो यहाँ पर चांसेस जो यहाँ पर बढ़ रहे हैं, या फिर कितने नंबर आपको काउंसलिंग करवानी है, या फिर इतने नंबर है तो आपको यहाँ पर काउंसलिंग नहीं करवानी है। जो आपकी जो मन में असमंजस की जो स्थिति बनी हुई है, आप एक उलझन में पड़े, वो यहाँ पर क्लियर इस वीडियो में होने वाला है। और फर्स्ट काउंसलिंग का जो रिजल्ट है, यानी जो अलॉटमेंट है, वो कब जारी होगा, इस वीडियो में हम कंफर्म करने वाले हैं। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्री डीलेट परीक्षा एवं पंजीयक शिक्षा विभाग के द्वारा परीक्षा का जो काउंसलिंग का जो कैलेंडर है वो जारी हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, काउंसलिंग पंजीयन शुल्क राशि 3000, ठीक है, उसका भुगतान करके, अब भुगतान आप चाहे ई मित्र के माध्यम से, डेबिट क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के द्वारा बैंक के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो वो यहाँ पर एक डेट दी गई है कि 6 अक्टूबर से, ठीक है, 6 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक रहेगी, ठीक है, ये यहाँ पर डेट रहेगी। यानी इस 17 अक्टूबर तक आप क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप शुल्क जमा करवा सकते हैं। और यहाँ पर जो अध्यापक शिक्षा संस्था है, जो भी संस्थान में प्रवेश के लिए जो ऑनलाइन सूची के अनुसार यदि आप विकल्प भरते हैं, तो वो विकल्प देने का जो यहाँ पर डेट है वो कौन सी हो जाएंगी, 18 अक्टूबर हो जाएंगी, ठीक है। तो 18 अक्टूबर और 17 अक्टूबर, ये दोनों लास्ट डेट है काउंसलिंग के, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 17 अक्टूबर, ठीक है। यानी आप अपना जो यहाँ पर निश्चित करें कि 17 अक्टूबर तक आपको यदि काउंसलिंग करवानी है, तो 17 अक्टूबर तक आप काउंसलिंग आसानी से करवा सकते हैं, ठीक है। देखिए, यदि आपको ऑनलाइन काउंसलिंग करवानी है, ठीक है, ऑनलाइन यदि आपको काउंसलिंग यदि करवानी है, तो आप चाहे ई मित्र पर जाए, खुद भी आप ऑनलाइन, आप जो पंजीयक प्रीडीएलएड जो .in जो वेबसाइट है, ठीक है, पंजीयक प्रीडीएलएड .in, अब आपको हमारी जो वेबसाइट है rgstudymonitor.com, उस वेबसाइट को विजिट करके आप संपूर्ण काउंसलिंग की प्रोसेस को समझ के आप आसानी से खुद स्वयं भी आप ऑनलाइन क्या करवा सकते हैं, काउंसलिंग करवा सकते हैं। एकदम सिंपल प्रोसेस रहेगी, ठीक है, आसान प्रोसेस रहेगी। और आप 17 अक्टूबर से पहले निश्चित करें कि आपको यदि काउंसलिंग करवानी है, तो आपको काउंसलिंग करवानी होगी। अब डाउट ये कि कितने नंबर पर, ठीक है, मार्क्स कितने होने चाहिए, ठीक है, कितने नंबर पर हम काउंसलिंग करवा सकते हैं और कितने नंबर पर हमें काउंसलिंग करवानी है, तो ये जो इस वीडियो में हम क्लियर करने वाला हूँ। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले इस वीडियो को जरूर, तो सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट को विजिट करना है rgstudymonitor.com, ठीक है। सबसे पहले आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें rgstudymonitor.com, ये जो हमारी वेबसाइट है, जैसे इस पर विजिट करेंगे, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपनी होनी चाहिए अपने कैटेगरी की कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है, ठीक है, कट ऑफ क्राइटेरिया आपको 2022 का पता होना चाहिए, 2023 का भी पता होना चाहिए, 2023 का एक्सपेक्टेड, 2022 का एकदम सटीक आपको कट ऑफ पता होनी चाहिए कि अपने कैटेगरी, चाहे आपकी, मान लीजिए आपकी कैटेगरी ओबीसी है, ठीक है, ओबीसी आपकी कैटेगरी है, तो ओबीसी कैटेगरी में 2022 में जब बीएसटीसी एग्जाम हुआ था, तो लास्ट जो फाइनल लिस्ट तक कट ऑफ क्या रही थी, और 2023 में जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, क्योंकि लगभग 1% का ही मेरिट में 1% का ही यहाँ पर डिफरेंट देखने को मिल रहा है। और अब की बार क्या कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, कम जाएगी, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएसटीसी एग्जाम काउंसलिंग शेड्यूल 2023, इसको लेकर भी आपको अपडेट यहाँ पर मिल जाएगा, और कट ऑफ मार्क्स को लेकर भी आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको अपडेट जो यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान बीएसटीसी एग्जाम रिजल्ट 2023, बीएसटीसी एग्जाम कट ऑफ मार्क्स 2023। तो कट ऑफ मार्क्स पर क्लिक करके भी आप क्या जान सकते हैं, कट ऑफ मार्क्स पर क्लिक करके भी अपने कैटेगरी की कट ऑफ देख सकते हैं कि इतने नंबर पर जो है हमें कॉलेज मिलेगी। अब मैं आप सभी को एक एक यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है।
तो सबसे पहले काउंसलिंग का जो शेड्यूल है, काउंसलिंग की जो प्रोसेस है, वो इस वेबसाइट को विजिट करके आप आसानी से चेक कर दे कि क्या प्रोसेस रहने वाली है, ठीक है, क्या क्या डेट है। तो आपको, ठीक है, इस डेट में बढ़ोतरी भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए 17 अक्टूबर दी है लास्ट डेट काउंसलिंग की, तो 17 अक्टूबर से होके ये जो डेट है वो यहाँ पर क्या हो सकती है, 25 अक्टूबर भी हो सकती है, ठीक है। इसमें जो यहाँ पर डेट का बढ़ना होता रहता है, डेट में चेंजेस होते रहते हैं, तो वो आपको अलग से सूचना दी जाएंगी, आपको हमारी वेबसाइट और चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है, आपकी जो कैटेगरी है, मान लीजिए जनरल कैटेगरी है, ठीक है, जनरल कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरी का बताऊंगा, सभी कैटेगरी का बताऊंगा, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, ठीक है, और एमबीसी है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ये पता करना है, देखिए यहाँ पर सवाल दोस्तों, यहाँ पर 3000 काउंसलिंग की फीस का है, ठीक है। सबसे पहले तो ये, यदि आपका एडमिशन नहीं होता है, आपको कॉलेज नहीं मिलती है, तो आपको 3000 जो रुपए है वो आपको क्या हो जाएंगे, रिफंड हो जाएंगे। उसमें कम से कम आपको लगभग ज़्यादा ज़्यादा 200 रुपए की कटौती हो सकती है, इससे ज़्यादा कोई कटौती नहीं होगी। और इसमें भी जो यहाँ पर कटौती, वो प्रोसेसिंग जो चार्ज है वो लगता है, ठीक है। तो 200 रुपए की कटौती होके 2800 रुपए आपको रिफंड मिल जाएंगे, यदि आप काउंसलिंग करवाते हैं तो, यदि आपको कॉलेज अलॉट नहीं होती है तो, यदि हो जाती है तो अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो जनरल में मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट, आपकी कितनी क्या कट ऑफ रह सकती है, देखिए यदि जनरल कैटेगरी में, यदि आपके 300 नंबर भी है, 310 भी है, 315 भी है, 320 भी है, या इससे भी अधिक है, यानी आप मान सकते हैं कि 300 से अधिक है, तो आप काउंसलिंग करवाइए। आपको मेरा रिकमेंड ये रहेगा, आपको काउंसलिंग जरूर करवानी चाहिए, और आपको ऑल राजस्थान सेलेक्ट जरूर करना है, ऑल राजस्थान आपको जरूर भरना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको 300 में अपनी जो मनपसंद आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले तो आपको कॉलेज मिल जाए, ये भी एक बड़ी बात रहेगी, ठीक है। तो ऑल राजस्थान आपको जरूर सेलेक्ट करना है, कि आपको राजस्थान में कहीं भी यदि कॉलेज अलॉट होती है तो आपको वहां से बीएसटीसी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये है, तो जनरल में 300 से ऊपर है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको काउंसलिंग करवानी चाहिए। यदि आपको कॉलेज अलॉट नहीं होती है तो आपको क्या हो जाएगा, आपको जो फीस है, जो आपका प्रोसेसिंग जो चार्ज कट के, वो आपको जो फीस है वो क्या हो जाएगी, रिफंड हो जाएगी। अब बात करें ओबीसी कैटेगरी का, कि ओबीसी में कितने तक हमें काउंसलिंग करवानी चाहिए, तो क्या हमें 250 पे काउंसलिंग करवानी चाहिए, तो बिल्कुल ही नहीं। यदि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल 300 प्लस है तो आपको काउंसलिंग जरूर करवाए। एससी एसटी यदि 250 प्लस है तो भी आपको क्या करवानी चाहिए, काउंसलिंग जरूर करवानी चाहिए। फाइनल लिस्ट तक आपको चांसेस है कि आ सकता है नाम, ठीक है। तो ये है, ऐसा नहीं है कि इसकी कोई सटीक कट ऑफ रहेगी, ठीक है। कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि फाइनल जो लिस्ट है, चाहे वो फाइनल लिस्ट फिफ्थ हो, चाहे फोर्थ फाइनल लिस्ट हो, कोई भी हो सकती है। बाकी आप आपको हमारी वेबसाइट को विजिट करके, rsstudymonitor.com को वेबसाइट को विजिट करके, जो आपको यहां पर दिख रही है, जो यहां पर अपडेट दिख रही है बीएसटीसी, ठीक है ना, कट ऑफ मार्क्स से जुड़ी जो अपडेट दिख रही है ना, यहाँ पर क्लिक करके आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि इतनी जो यहाँ पर कट ऑफ रहेगी, इतनी कट ऑफ रह सकती है। ये एक आइडिया मिल जाएगा कि 2022 में कितनी कट ऑफ रही थी, 2023 में क्या कट ऑफ रह सकती है, फाइनल क्या कट ऑफ रहेगी, आप हमारी वेबसाइट को विजिट करके देख सकते हैं। और काउंसलिंग को लेकर जो प्रोसेस है, ठीक है, वो भी यहाँ पर आपको हमारी वेबसाइट को विजिट करके समझ सकते हैं, क्या काउंसलिंग की डेट है, इसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस होने पर आपको हम अपडेट कर देंगे। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।